तो मैं बात कर रहा था एक्चुअल अजम्पशन की इवेंट जिस दिन हुआ है ठीक है उसी दिन हम रिकॉर्ड कर देंगे, पेमेंट से मतलब नहीं है, यानी व्हेन दे आर हैपन नॉट व्हेन देर आर पेमेंट। जैसे एग्जांपल आपने गुड्स परचेज किए 1 मार्च, उसका पेमेंट आपको 20 मार्च को रिसीव हुआ, तो हम 1 ही मार्च में उसका रिकॉर्ड कर देंगे। अब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल है कि ये मैन मेड के थ्रू बनाए जाते हैं, ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं, और ये जनरली क्या होते हैं एक्सेप्टेड होते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाती है जब हम प्रिपेयर करते हैं सम सेट ऑफ रूल, यानी उसके लिए क्या बनाते हैं कुछ रूल बनाते हैं, और ये यूनिफॉर्मिटी होती है, जैसे मान लो एक जैसे, ताकि आपको यूनिफॉर्मिटी पता चले। मान लो कि अगर हर किसी ने SLM लगाया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा और आसानी से आप क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, या फिर कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल वन बाई वन। पहला आपका है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या फिर इसे कहते हैं